जो एक्रीपॉन सीड्स दैट नेशनल सीड प्रोजेक्ट हैं, इसका जो मुद्दा और मकसद है कि फार्मर के पास कैसे सबसे मयारी और जो नई वैरायटीज बनती हैं ना, जो यूनिवर्सिटी नई वैरायटीज डेवलप करती हैं, उनका सीड कैसे सीड चेन में चला जाए और वो फार्मर के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो उसमें हमारे टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक तो जो सबसे मयारी बीज जो होता है जिसको हम ब्रीडर सीड बोलते हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से उनकी तरफ से हमें इंडेंट आता है कि हमें उस मयारी बीज का इतना सीड हमें चाहिए जो कि हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं और उस हिसाब से उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो मेन और मुद्दा मकसद हैं जिसमें कि हमारे जो इस वक्त हमारे वीसी साहब भी हैं उनका बहुत अहम रोल है उसमें, कि वो हमें बोलते हैं कि डायरेक्टली आप टेक्नोलॉजीज फार्मर के पास ले जाओ ताकि टेक्नोलॉजी एकदम से फार्मर उसको अडॉप्ट करे। तो उसमें इस सेंटर का सबसे बड़ा रोल है कि जो हम उसके अलावा जो भी मयारी सीड हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मामनत होती है, वो हमें उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं और वो सीड हम डायरेक्टली फार्मर के पास ले जाते हैं डायरेक्टली ताकि कि वो उसके फायदे ले जाए ताकि और वो जो नया बीज जो बनता है वो पॉपुलराइज हो जाए। वो सीड फार्मर तक पहुंचने में कम से कम उसको 3 साल लगते हैं क्योंकि ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनता है, फिर सर्टिफाइड सीड फार्मर के पास पहुंच। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो होता है वो डायरेक्टली हम फार्मर्स के और उन इलाकों में जो चीज़ आमतौर पर 6 महीने 4 महीने 5 महीने कट ऑफ रहते हैं थ्रू आउट वैली, तो ऐसे जो कि जहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है हम डायरेक्ट, जैसे आप देखोगे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त तुलेल में चल रहे हैं गुरेज में, ऐसे आप टंगडार में देखोगे बिल्कुल जीरो लाइन पे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली जो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का सीड है बीज डायरेक्टली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल या 2 साल के लिए देते हैं ताकि वो अपने खेतों में लगाए। तो जब वो लगाते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सीड चेन में आ जाता है, फिर हमें उनके पास और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब वो देखते हैं कि इस सीड से उनका यील्ड कितना बढ़ गया तो डायरेक्टली उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन उन एरियाज़ में जो कि आमतौर पर कट ऑफ रहते हैं। तो उसमें इस सेंटर का बहुत रोल है क्योंकि हमने बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ में डायरेक्टली हमने सीड उनको प्रोवाइड किया और वो भी हाई यील्डिंग वैराइटी जो यूनिवर्सिटी ने नई नई वैराइटीज़ डेवलप की हैं। हमारा यहाँ 2 ही सीज़न है, एक खरीफ है एक रबी है, तो यहाँ पर आप जितनी भी खरीफ में हमारा जो मेन जो 3 क्रॉप्स हैं पैड़ी हैं, उसके अलावा हमारा मेज़ है, थर्ड हमारा पल्सेस हैं, ऐसे ही रबी में हमारा ओट्स हैं फोटर ओट्स हैं और हमारे ऑयल सीड हैं और रबी पल्सेस हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी ने वैराइटीज़ रिलीज़ की हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जब जिसका सीज़न हो उस वक्त उसका सीड हम कोशिश करते हैं जितना हम प्रोवाइड कर सकें उतना हम यहाँ पे सेल के लिए भी रखते हैं। तो उसमें हमें हमारी गुजारिश फार्मर से या तो वो कंसर्न केवी के उनके पास जाए और वो हमारे से भी सीड ले सकते हैं वो केवी केस, तो वो केवी केस उनको फिर सीड प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो डायरेक्टली यहाँ हम उनको भी सीड जितना हमारे पास सीड अवेलेबल होता है हम उनको भी सीड प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हमारी ये कोशिश रहती है जितनी भी रबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनका हम सीड कोशिश करते हैं रखने की जितना हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सके। 80 से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है क्योंकि ICR जो सेंटर की ये स्कीम है, तो वहाँ से तब अगर आप देखोगे इस वक्त हमारा वैरायटी रिप्लेसमेंट सीड रिप्लेसमेंट रेट की बात तो अलग थी कि सीड रिप्लेसमेंट रेट तो हमने बहुत हद तक हम उसमें, अब हम वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट मीन्स कि जो नई नई वैराइटीज़ बन रही है ना यूनिवर्सिटी वो अब पुरानी वैराइटीज़ को रिप्लेस क्योंकि नई वैराइटी में ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू द पुरानी वैराइटी, उसमें भी हम बहुत हद तक अब कामयाब हुए हैं इंशाल्लाह जो हम बोलते हैं ना डबलिंग द फार्मर्स इनकम। हमारे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां फार्मर खुद बोलते हैं कि हमारी पैदावार कितनी थी इससे पहले और अब हमारी पैदावार कितनी बढ़ गई। हमारा एक और प्रोग्राम चलता है जिसको हम ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं, वहां सेंटर से हमें उसके लिए पैसे आते हैं, उसमें सीड के अलावा उनको अगर कोई चीज़
कुछ और इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जैसे सीड बीन्स होते हैं, पुलाव होते हैं, क्योंकि वो फार फ्लंग एरियाज हैं तो वो वेरी टफ टेरेन्स होते हैं, वहाँ पर वो ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ उनको प्लाउज की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ जहाँ हमें लगता है फिर फार्मर्स की डिमांड पर उनको हम जो कंसर्न हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से उनसे परमिशन लेके हम उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन भी करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर कोई नई वैरायटी हमारी बन गई तो उसको हम डायरेक्टली किसी एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं, उस विलेज में हम डायरेक्टली वो सीड लेके उनको, जैसे वहाँ 100 फार्मर्स हैं, वहाँ 20 हेक्टेयर्स हैं, 30 हेक्टेयर्स, 30 के 30 हेक्टेयर उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीड प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब वो एरिया एक हम एक न्यूक्लियस एरिया लेते हैं, सेंट्रल एरिया लेते हैं, जब वो अडॉप्ट करते हैं, जब वहाँ वो देखते हैं इसकी पैदावार, जो आसपास के विलेज हैं ऑटोमेटिकली वो खुद रागी बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि हम बोलते हैं सींग से ज़्यादा बेटर हैं कि अगर हम फार्मर को बोल, जब वो अपने आंखों से देखेंगे अपने फील्ड में उसकी पैदावार कितनी है या उसकी सलाहियत कितनी है उस नई वैरायटी को, तो वो खुद ब खुद उसका अडॉप्शन रेट बढ़ जाता है। और वो वैरायटीज़ अगर आप देखोगे SR4 इसको तो राइस में हमारी एक वैरायटी है, ऐसे ही ऑयल सीड्स में SS2 है, इतनी पॉपुलराइज हो गई डायरेक्ट इंटरवेंशन से, क्योंकि हमने डायरेक्टली उनको फार्मर फील्ड में लगाया और फार्मर जो इर्द गिर्द एरियाज हैं फिर फील्ड डेज किए और उन फार्मर्स को बुलाया, उनको बोला अब खुद ही बताओ कि ये वैरायटी आपकी वैरायटी से बेटर है कि नहीं। जब उन्होंने खुद देखा तो उससे ऑटोमेटिकली फिर उसका सीड, वो खुद सीड चेन में चली गई और सीड डिस्पर्शन ऑटोमेटिकली होता है। तो यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखोगे, यूनिवर्सिटी ने पिछले साल भी 12 वैरायटीज़ रिलीज़ की, उससे 2 साल पहले भी 8 वैरायटीज़ रिलीज़ की। तो अब मसला ये है कि इन वैरायटीज़ को पॉपुलराइज़ करना, इनको फार्म ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। तो हमारी हर एक उसमें हमारा, हम नहीं बोलेंगे खाली यूनिवर्सिटी, उसमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी बहुत अहम रोल है और वो भी इसमें बहुत तआवुन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हो गए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वैरायटीज़ को पॉपुलराइज़ हम कर पाए और फार्मर, मुद्दा मकसद लास्ट में यही है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले।